गाइस आज एसी सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, जो वैगनार कार की जो एसी है ये किस पोजीशन पर करने पे ठंड हवा और नॉर्मल और जो कि हार्ड गर्म हवा देती है। तो आप लोग हमारे ब्लॉग वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाऊंगा और इसके जो कि मैनुअली हर चीज़ को दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। गाइस मैं आपका प्रिय मित्र चंदन। तो आज मैं आप लोग को अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को जो कि वैगनार कार का जो ये 2015 मॉडल है और ये जो इसके पॉइंट जो होते हैं कौन से पॉइंट किस लिए है और जो सिंबल बने होते हैं वो किस लिए होते हैं और उन सबों का मतलब क्या है, तो आप लोग हमारे इस ब्लॉग वीडियो में बने रहिए। चलिए आगे आपको दिखाते हैं और बताते हैं बहुत ही अच्छे से बारीकी से। गाइस ये रहा इस वैगनार का मैनुअल एसी सिस्टम। तो इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसके ब्लोअर कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ लगे हैं और कहाँ कहाँ से ये हवा आती है। तो ये जो आप सामने में शीशा देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से काफ़ी लंबा बना हुआ है, तो यहाँ से हवा आती है। इस शीशे पे जब भाप बन जाती है तो उसको क्लीन करने में सहायता करता है। और यहाँ पे आप देखेंगे सेंटर में जो कि इधर राइट साइड में और उधर सेंटर में कुछ इस तरीके से यहाँ भी है और एक लेफ्ट साइड में जो कि यहाँ से भी आती है। और यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में ये थोड़ा सा बना है और इधर भी, तो जो कि पीछे जो आपको क्लीन देखने के लिए इस शीशे पर अगर भाप बनता है किसी भी मौसम में किसी भी तरीके का तो उसको क्लीन करने में वो सहायता करता है, जिससे हम अच्छे तरीके से पीछे देख पाते हैं। और इस कार का जो ग्राउंड फ्लोर है लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जो कि नीचे से हवा आती है, तो आते हैं इसके सिस्टम पे, इन सब का मतलब क्या है, ये सब क्यों यूज किया जाता है, इस पोजिशन पर करने पर क्या होता है, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो गाइस करते हैं इंजन स्टार्ट। तो ये रही चाबी, चाबी को करते हैं ऑन। ये हुआ इंजन स्टार्ट जो कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप देख सकते हैं। ये जो आरपीएम गेज है 0 से ऊपर की तरफ उड़ चुका है। अब आते हैं इसके एसी सिस्टम पे। जब तक इंजन स्टार्ट नहीं रहेगा तब तक एसी नहीं चलेगा। अगर इंजन बंद रहता है सिर्फ ब्लोअर ही चलता है। तो ये आप देख जो देख रहे हैं पॉइंट, ये टेम्परेचर गेज है, इसे टेम्परेचर मैनेज किया जाता है। और ये है ब्लोअर और ये है एयर फ्लो। तो यहाँ पे एसी का बटन और यहाँ पे ब्लोअर का बटन है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिंबल बना है। तो आते हैं इस पर। पहले आप ये यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं नीले कलर में कुछ इस तरीके से बना है और यहाँ से यहाँ तक सफ़ेद कलर में और यहाँ से यहाँ तक लाल कलर में। तो आपको मैं बता दूँ जब इस पोजिशन पर रहता है तो अगर एसी ऑन करते हैं और एक नंबर पर ब्लोअर चलता है तो इस टाइम जो कि ठंड हवा आती है। और जैसे जैसे इसको आप राउंड करते जाएंगे ऊपर की तरफ उठाते जाएंगे अगर इतना पे आएंगे तो ये जो कि मीडियम में हवा देता है, न तो गर्म न तो ठंड, मीडियम में। अगर इसको मैं रेड की तरफ कर दूंगा तो एकदम जो कि पूरे एकदम अच्छे तरीके से जो कि गर्म हवा ना इस टाइम स्टार्ट हो जाएगा। और इस टाइम जो कि कुछ ही सेकंड में ये गर्म हवा आना एकदम स्टार्ट हो चुका है। तो इसको मैं करता हूँ नॉर्मल पे, लगाते हैं ब्लू पे। तो इससे आप जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये एसी का बटन जो कि अगर ऑन रहेगा तो यहाँ पर लाइट जलेगी, अगर ये ऑफ रहेगा तो ये लाइट बुझ जाएगा, सिर्फ इसका इस टाइम जो कि ब्लोअर चल रहा है। तो इसको करते हैं ऑन और ये ब्लोअर जो कि यहाँ पर रहेगा तो ये बंद हो गया। और इसको मैं करता हूँ एक नंबर पे। और इसी तरीके से तीन चार पॉइंट दिए गए हैं, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वो ब्लोअर का जो कि स्पीड बढ़ता जाएगा। ये दो नंबर का और तेज, तीन उससे तेज, चार एकदम फुल, इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इसको करते हैं एक पे और आते हैं एयर फ्लो पे, जो कि एयर फ्लो इस टाइम इस सिंबल पे है। तो इस सिंबल पे से मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो जब इस सिंबल पे रहता है तो ये जो आप सामने वाला सेंटर वाला जो देख रहे हैं इसका ब्लोअर ये चलता है, ये सामने से जो कि हवा रही है। अब इसको मैं करूँगा इस वाले सिंबल पे ऐसे यहाँ पे, तो ये जो कि हवा इसका बढ़ चुका है जो कि ये सामने से आ रही है और इसका जो कार का ग्राउंड फ्लोर है नीचे से आ रहा है। अब करते हैं इस पोजिशन पर, तो ये जो सामने से हवा आ रही थी वो एकदम बंद हो चुका है और नीचे का जो कि जो हवा आ रहा है उसका रफ्तार थोड़ा सा दोगुना हो गया है। तो करते हैं इस पोजिशन पे। तो जब मैं इस पे करूँगा तो ये जो नीचे से हवा आ रही थी उसकी रफ्तार थोड़ा डाउन हो चुका है। अब जो कि अब यहाँ से हवा कट गया है यहाँ से सामने से और हल्का यहाँ से भी हवा आ रही है। तो करते हैं इस वाले सिंबल पर, तो जब यहाँ से करेंगे तो जो कि ऊपर नीचे ये सब आना बंद हो चुका है और यहाँ का रफ्तार थोड़ी दोगुनी हो चुकी है और ये इसका भी रफ्तार थोड़ा सा तेज हो चुका है। और इसको मैं ये जो आप बटन देख रहे हैं इसको मैं वापस करता हूँ पहले,
और ये जो बटन आप देख रहे हैं, मैं इसको पुश करूंगा तो ये जो कि ऑन हो गया, और ये सिंबल ये है तो ये सिंबल से सामने से हवा आ रहा है और साथ साथ यहाँ से भी हवा आ रहा है हल्का, और ये जो हवा जाता है यहाँ पे जाता है, इसको यहाँ पे अगर भापा बनता है किसी भी मौसम में तो उसको क्लीन करने के लिए, ताकि हम पीछे से देख पाते हैं उसके लिए। और ये सिंबल बना है कुछ इस तरीके से, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, अगर इस ये सिंबल पे अगर ये चीज़ रहा तो ये जो कि यह अंदर का हवा अंदर ही ले जाता है, यह जो बाहर का हवा अंदर तक नहीं लेता है। अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ पे ये सारे सिंबल पे, तो इस टाइम जो है कि बाहर का हवा अंदर की तरफ आ रहा है, और जो बाहर से हवा अंदर की तरफ आता है वो फिल्टर होके आती है, धूल गर्दा डायरेक्ट नहीं आता है। तो गाइस ये रहा कुछ इस तरीके से वैगनार कार का एसी सिस्टम, मैनुअली तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।